गौर से देखें और गौर से सुने। सारे डिवाइसेस जो है डेटा सेंस कर रहे हैं और इस ग्राउंड स्टेशन को डेटा जो है वो भेज रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेंसर नोड है, ये वाला सेंसर नोड, ये दैट इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन दैट इज फार अवे फ्रॉम द, ये एक सेंसर है, इट इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अब इसने डेटा जो सेंस कर लिया है, दैट सेंस डेटा नीड टू बी ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड स्टेशन। अब ये क्या करेगा, ये डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू डेटा फॉरवर्ड करेगा इस ग्राउंड स्टेशन को। ये तो हो सकता है कि मैसेज जो है, ये डेटा जो है ब्रॉडकास्ट कर ले, ये भी रिसीव करेगा, ये भी रिसीव करेगा, ये भी रिसीव करेगा, एंड ये उसकी नेबरिंग में जितनी भी है वो रिसीव करेगा। डिपेंड करता है कि उसकी सिग्नल रेंज कितनी है, डिपेंड करता है कि उसकी सिग्नल रेंज यहां तक है। अगर उसकी सिग्नल रेंज यहां तक है तो यहां तक, अगर यहां तक है, डिपेंड करेगी कि उसमें कौन सा एंटीना लगा हुआ है, उसकी जो बैटरी कैपेबिलिटीज है वो कितनी है, तो सारा इस पे डिपेंड करता है, राइट। सो ये क्या करेगा, या तो मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट करने के, या दूसरा ये डायरेक्ट लोकेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग करेगा कि इस नोड को पता है कि इसके जो मेरे जो नेबर में है, इसकी मतलब मेरे साथ नेबर में कौन कौन से नोड जो है वो लोकेटेड है, वो डायरेक्ट उसको नॉमिनेट करके उसको सेंड लेगा। तो इसको हम वन टू कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसका ये फायदा होगा कि अगर ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा था ना, तो ये फिर अच्छा ये मैसेज ब्रॉडकास्ट के सबने रिसीव कर लिया, फिर आगे से इन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, फिर आगे से इन्होंने, अब बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग लगी है इंटायर नेटवर्क में और तब जाके वो डाटा यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब बात यह है कि ये तो सिर्फ इस सेंसर का डाटा है, अगर बीच में तो सारे सारे के सारे सेंसर्स, दे आर सेंसिंग द डाटा एंड दे आर जनरेटिंग द डाटा, तो देयर विल बी ह्यूज 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 कम्युनिकेशन ओवरहेड इन द इंटायर नेटवर्क। ठीक है, बात समझ आ रही है, देयर विल बी ह्यूज ह्यूज कम्युनिकेशन ओवरहेड। क्यों, अब ये नोड जो है, ये नोड जो है डेटा सेंस करके ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इसको इसको भेज रहा है, ठीक है, राइट, इसको भेज रहा है। अब इसके पास अपना भी डेटा है, इसके पास अपना भी डेटा है, तो ये क्या करेगा, एक तो अपना डेटा भी ब्रॉडकास्ट करेगा, अपना डेटा भी ब्रॉडकास्ट करेगा एंड इसका डेटा भी ब्रॉडकास्ट करेगा। अब इसने, इस नोड ने क्या किया, इस नोड की जो बैटरी है, बैटरी ये बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। एक तो वो दूसरा डेटा भी रिसीव कर रहा है और अपना डेटा भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। सेकेंडली दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, इसकी बैटरी बहुत जल्दी जाएगी। सेकेंड फैक्टर जो है, इसमें बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन ओवरहेड, ये नेटवर्किंग में कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, कम्युनिकेशन ओवरहेड जनरेट करेगा। कम्युनिकेशन ओवरहेड की मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्जेशन होगी। अब ये डेटा सारे एक टाइम पे सेंसर रिसीव कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बीच में डेटा लॉस भी हो सकता है। अब ये इसका नेबर में एक दूसरा नोड है, वो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब जब दो नोड एक नोड को जब डेटा भेज रहे होते हैं, ठीक है, ये भी इसको भेज रहा है, ये नोड भी इसको डेटा भेज रहा है, इस प्रॉब्लम को हम यहां पर जो है वो क्रिएट होती है कंजेशन, कंजेशन यहां पे क्रिएट होती है। तो इन दोनों में डेटा जो है वो, ये वाला जो नोड है वो रिसीव नहीं कर सकता, डेटा यहां पे लॉस हो जाएगा, डेटा जो है यहां पे लॉस हो जाएगा। अब दिस नोड डिडंट रिसीव द डेटा फ्रॉम दिस neighboring nodes. This is receiver. These are the senders S1, S2 and this is receiver. इसको हम sync node कहते हैं. Sync. जब एक node दो node से data receive कर रहा है. अब ये imagine करें कि सारा का सारा एक ही network में सब कुछ हो रहा है. Got it? तो अब ये possible ही नहीं है कि यहाँ पे आप इसका जो data है वो safely ground station तक पहुँच जाए. ऐसे problem को solve करने के लिए हम use करते हैं क्लस्टरिंग। ये K-mean क्लस्टरिंग जो है वो नेटवर्क्स में भी है, यही सेम एल्गोरिदम नेटवर्क्स में भी है। अच्छा, क्लस्टरिंग हम क्यों करते हैं, हम नेटवर्क को डिवाइड करते हैं डिफरेंट रीजन बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्निक, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्निक। अब कैसे डिवाइड करेंगे, सपोज अभी मेरे पास ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, इसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया, इसको हम बोलते हैं। अच्छा, क्लस्टरिंग हमारे पास दो किस्म की होती है, एक होती है सिलेक्शन, एक होती है इलेक्शन।
एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एक इलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है कि भाई ये जो नोड है सबसे दरमियान में जो है, इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, सेंटर में है, सेंट्रॉइड से निकला है। हम कहें, हम इमेजिन करते हैं कि इस नोड की जो बैटरी और मेमोरी सबसे ज्यादा है, सो दिस नोड इज नॉमिनेटेड एज क्लस्टर हेड। दिस नोड इज नॉमिनेटेड एज क्लस्टर हेड, CH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सिलेक्शन बेस्ड क्लस्टरिंग है कि हमने सेलेक्ट कर लिया, नॉमिनेट कर लिया कि ये क्लस्टर हेड है। अभी क्या करेगा, ये सारे के सारे नोड्स जो है इसको डेटा भेजेंगे, सारे के सारे इसको भेजेंगे। अब इस सारे नेटवर्क्स में, इस पूरे क्लस्टर में, इन सारे नोड्स को पता है कि ये मेरा क्लस्टर हेड है, मैंने डेटा इसको फॉरवर्ड करना है। जब इसको फॉरवर्ड, ये क्लस्टर हेड होगा, इस तरह इसमें भी क्लस्टर हेड होगा, ये क्लस्टर हेड इसको डेटा भेजेगा, ये क्लस्टर हेड इसको डेटा भेजेगा, और ये क्लस्टर हेड जो है ना, ये ग्राउंड स्टेशन को डेटा भेजेगा। इसलिए हम एक तो बैटरी से हमने सारे सेंसर, अब इसकी बैटरी नो डाउट ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू अदर, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक नोड की बैटरी ज्यादा लग रही है। इस एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको कहा था कि सारे के सारे डिवाइसेस जो है बैटरी बहुत जल्दी उनके खत्म हो जाएगी। सेकेंडली, कंजेशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक, एंड सो ऑन। इलेक्शन प्रोसेस जो है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, सारे नेटवर्क में, ठीक है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, ठीक है, सारे नेटवर्क में हम क्या करते हैं कि एक प्रोसीजर एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं कि इसमें किस एल्गोरिदम के तहत कौन सा, इसमें कौन सा जो नोड है दैट विल सर्व एज ए क्लस्टर है, दैट विल सर्व एज ए क्लस्टर। उसके लिए हम कुछ डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, एक उसमें के मीन एल्गोरिदम भी है कि मैं ये करता हूँ कि सबसे जो सेंट्रल नोड है, अच्छा पहले तो मैं ये डिफाइन करूंगा कि इस नोड में कितने सेंसर, एक क्लस्टर में कितने सेंसर आएंगे। मैं सपोज करता हूँ 50 सेंसर जो है वो आएंगे, ठीक। अब मैंने अगेन 50-50 सेंसर्स के तीन इसको मैंने डिवाइड कर लिया। अब मेरे पास क्लस्टर हेड नहीं है, देयर इज नो क्लस्टर हेड। अब हाउ टू इलेक्ट क्लस्टर हेड, कि पहले ये लोकेशन चेक करेगा कि सबसे बेस्ट लोकेशन पे कौन है, मीन्स के सेंटर में कौन है, दूसरा इसकी बैटरी कौन, इस सारी की, ये हर एक डिवाइस चेक करेगा, और ये दे विल एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन। इसको हम कंट्रोल सिग्नल कहते हैं, कंट्रोल सिग्नल, दे विल एक्सचेंज कंट्रोल सिग्नल विद ईच अदर। And in control signal, they will share their battery information, their location, and their memory information. सारे share करेंगे और हर एक node के साथ एक table बनेगा। अब उस table में अगर suppose 50 sensors हैं तो इसमें 50 rows and columns होंगे। अब serial के wise node ID होगी 1, 2, 3। अब node 1 की location कितनी है, ये है, memory उसकी इतनी है, battery उसकी इतनी है। तो सबसे highest जो होगा वो हर एक को पता चल जाएगा कि इसमें हाईएस्ट कौन सा है, तो वो खुद ही एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा कि भाई आई एम योर क्लस्टर हेड, आई एम इलेक्टेड एज ए क्लस्टर, मैंने इलेक्शन प्रोसेस जो है दैट जीत लिया है एंड आई एम सिलेक्टेड एज ए क्लस्टर हेड। इसी तरह इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, फिर वंस अगेन ये डेटा सारे इसको सेंड करेगा, फिर इसको सेंड करेगा, एंड देन इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड स्टेशन। दिस वॉज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द क्लस्टरिंग, हाउ द क्लस्टरिंग इज परफॉर्म एंड व्हाई वी आर डूइंग क्लस्टरिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा साइंस। इन डेटा साइंस वी हैव the same concept of the clustering. So the problem is we have huge amount of data and we don't know how to get inside into the exact location. Us exact location tak pahunchne ke liye humne kya karna hai, pure ke pure data set ko humne divide karna hai in different regions based on the sources from where it gets the data, right? So suppose ye aapke paas huge data set hai, main ground station ko remove kar lunga, I will remove ground station, there is no ground station in the data science. Suppose this is the entire data set, okay? Entire data set. Now, ab koi mere koi exact location jo hai, jo mujhe chahiye, jo feature mujhe chahiye, wo somewhere located here, okay? Which I don't know. ABC algorithm mein kya karte hain, hum random selection kar lete hain, us random selection ke neighbors check kar lete hain, uski neighbors check kar lete hain, aur jitna hum close ho jate hain, then we say that, okay, there, algorithm is over, we have selected almost exact feature with the accuracy of the 80%, 85%, 90%, 95%, so which is acceptable in my case. Secondly, if I am doing PCA, in PCA last time humne padha tha ki jitni zyada mere paas principal components honge, agar this is huge data set, agar main isme ek PC lagata hu principal component, it is divided into two. Once again, yahan pe bahut huge volume mein data hai, yahan pe huge volume mein data hai, to इसमें वेरियंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसमें
डिफरेंट कंपोनेंट्स में इंक्रीज कर लूं, कंपोनेंट्स अगर मैं इंक्रीज कर लूं तो उसमें वेरिएंस कम होता जाएगा, तो जितना कम वेरिएंस होगा उतना हमारे लिए डेटा एनालिसिस में आसानी होगी। इन क्लस्टरिंग व्हाट वी आर डूइंग इज हम उसमें डेटा को उसकी जो कंटेंट्स हैं वो कंपेयर करते हैं बाय मींस ऑफ व्हाट यूक्लिडियन डिस्टेंस, हम उसको यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं कि दो दो डेटा नोड्स दो डेटा के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब डिस्टेंस ये वो एस वाला डिस्टेंस नहीं फिजिक्स वाला, दोनों में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर है या इस नोड का इस नोड के साथ क्या डिस्टेंस बन रहा है, डेफिनेटली इट हैज अ ह्यूज डिस्टेंस। ये दो नोड आपको नजर आ रहे हैं इसमें डिस्टेंस बहुत कम है, अगर फिजिकल डिस्टेंस की बात की जाए बहुत कम है, लेकिन दिस मे कंटेन हेल्थ डेटा, दिस मे कंटेन व्हीकुलर डेटा, सो देयर इज अ ह्यूज कंट्रास्ट। व्हेनेवर देयर इज अ ह्यूज कंट्रास्ट वी से दैट द डिस्टेंस इज ह्यूज। ठीक है, इसमें फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। ठीक है, नेटवर्क्स में हम फिजिकल डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, डेटा साइंस में हम फिजिकल डिस्टेंस कंसीडर नहीं करते क्योंकि डेटा एक ही हार्ड डिस्क पे सेव है, सो व्हाई वी आर कंसीडरिंग फिजिकल डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस से मुराद ये है कि दोनों में डिफरेंस कितना है वो हम फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन यूक्लिडियन डिस्टेंस। उसके लिए फिर हम एक थ्रेशहोल्ड सेलेक्ट करते हैं टॉ के नाम से थ्रेशहोल्ड। इफ द डिस्टेंस इज लेस देन एक्स, इन दोनों का एक क्लस्टर बनाओ, फिर इन दोनों का इसके साथ कंपेरिजन करो, क्लस्टर एक्सपेंड कर लो, तो जितना कम होगा वेरिएंस, ठीक है, उतना हम ये फिर एक क्लस्टर बन जाएगा, फिर ये दूसरा क्लस्टर बन जाएगा, फिर ये तीसरा क्लस्टर बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इस नोड का इस नोड के साथ वेरिएंस कम बन रहा है, सो दैट नोड शैल बी इन दिस क्लस्टर, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि दैट इज लोकेटेड समवेयर एल्स इन द हार्ड ड्राइव, इन द हार्ड डिस्क, इन द फ्लैश ड्राइव, इन द एक्सटर्नल मेमोरी, इन द दूसरा नाम बोल गया, एनीवे फॉरगेट अबाउट इट। तो ये क्या हो जाएगा, ये या इनके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेबर में इसका ये क्लस्टर बन रहा है, अगर ये इसका वेरिएंस बहुत ज्यादा है सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, उसको हम क्या बोलते हैं जो प्रॉपर्टी से, मेरे माइंड से नाम निकल गया है, एनीवन मेरे माइंड से नाम से माइंड नाम निकल गया है, वो जो एक क्लास में अगर किसी भी स्टूडेंट की डेटा सेट में कोई एट्रीब्यूट ऐसा है कि दैट डजंट रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा, सो वी आर रिमूविंग दैट डेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटलायर सर, आउटलायर, आउटलायर, थैंक यू सो मच, आउटलायर। सो दिस डेटा will be considered as outlier for this one. In fact, ये जो है इसके नजदीक है, लेकिन हम इसको इसमें add नहीं कर सकते। तो जितना इसमें Euclidean distance कम होगा, that will be considered as cluster. This is all about K-mean clustering in data science. Let's talk about its explanation. कोई question है यहाँ पे, ये introduction था clustering का और K-mean clustering का, any question? Okay, let's go. So what is clustering? Clustering is the classification of object. Clustering is the classification of object. What we are doing is we are classifying. How we are classifying? ये मेरे पास health का data है, health. ये मेरे पास vehicular data है. ये मेरे पास remote sensing का data है, remote sensing, remote sensors का data है. तो अब ये हमने classification कर लिया है, ठीक है? Clustering is the classification of objects into different groups. अब different groups क्या थे हमारे पास? 3 groups बन गए, एक health बन गया, health का group बन गया, एक vehicular का group बन गया, एक remote sensing का group बन गया. The partitioning of data set into subset, these subsets are known as cluster. So that the data in each subset ideally share some common trait, often according to some defined distance measure. Right? अब हमने वहाँ पे 3 cluster बना लिए. Into subset, these all are subset. In subset को हम data science में clustering बोलते हैं. So that the data in each subset, अब इसका जो data है, in each subset, हर एक subset का जो data है और हर एक cluster का जो data है, share some common traits. अब इसमें health है. अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें vehicular का data आ जाए. अगर vehicular का data होगा, it will be considered as outlier. We will discard it.
even though that may contain some important information, but according to the algorithm, this will be considered as an outlier and we will remove this outlier. Often according to some defined distance measures, and this is based on the distance measurement and how we have calculated that distance by means of the Euclidean distance. This is very important in the data science. So different types हैं clustering के, hierarchical algorithm है, partitional algorithm है. मैंने आपको जो बताया that is called partition. हमने तीन partition कर लिए. अगर let's suppose if you're talking about the hierarchy, so hierarchical means के उसके rank wise. अब now let's talk about university. अब university में मैंने partitioning करनी है. ठीक है, मैंने class में partitioning करनी है. तो class में मैंने partitioning कैसे करनी है? So first thing we have to I have to get the data. अब इसी क्लास में मेरे पास मेल भी है, फीमेल भी है, मेरे पास इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी है, मेरे पास नालायक स्टूडेंट भी है, मेरे पास शरीफ बच्ची भी है, मेरे पास शरीफ बच्चे नहीं भी है. ठीक है, तो मैंने अब क्या इसी क्लस्टरिंग करनी है. तो अब ये सारे मिक्सअप हैं, इंटरमिंगल विद ईच अदर. नाउ द क्वेश्चन इज शैल आई यूज द पार्टीशनिंग और द हायरार्किकल. आई विल यूज द हायरार्किकल. हाउ आई विल यूज द हायरार्किकल? मैं इसमें मेरे पास पूरी क्लास है. ठीक है, मेरे पास पूरी क्लास 50 स्टूडेंट्स हैं. अब मैंने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हायरार्की के इसमें मेरे पास टॉपर्स हैं, फिर मेरे पास जो है शरीफ बच्चे हैं, फिर मेरे पास जो है थोड़े से कम शरीफ बच्चे हैं, फिर जो है ना वो बहुत गए गुजरे हैं, वो सारे के सारे बैक बेंचर्स हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हायरार्की, इधर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ठीक है, hierarchical algorithm, these find successive clusters using previously established clusters. अब previously established cluster मेरे पास पहले कौन सा बन गया, जो toppers हैं, that is selected. ठीक है, बन गया cluster. Now let's come to again second cluster. इसमें agglomerative या bottom up agglomerative algorithm begin with each element as a separate cluster and merge them into successively large clusters. एक स्टूडेंट है, इसमें एक स्टूडेंट है. ठीक है, ये वाला स्टूडेंट है. पहले मैंने इसको चेक किया कि ये अच्छा, इसकी जीपीए कितनी है, 3.9 है. 3.9 इसका मैंने कंपैरिजन किसके साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड किया. अफर्दम एक तरफ पे 2 है, 2 जीपीए, दूसरी तरफ पे 3.8 है. अब इन दोनों का क्लस्टर बन, अब ये क्लस्टर इस तरह एक्सपेंड होता जाता है. ये पूरे उसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये नीचे आ रहा होता है, एक्सपेंड हो रहा होता है. दूसरा डिविजिव टॉप डाउन डिविजिव एल्गोरिदम बिगिन विद द होल सेट एंड प्रोसीड विद डिवाइड इट इनटू सक्सेसिवली स्मॉलर क्लस्टर. ठीक, अब पहले ह्यूज बनेगा, फिर थोड़ा सा कम छोटा, फिर छोटा एंड सो ऑन. ये एक पिरामिड की शेप में हमारे पास एक क्लस्टर बनेगा एंड आखिर में जो बैक बेंचर होगा, शायद वो एक स्टूडेंट होगा जो फेल होगा, वो आखिर में आ जाएगा. टॉपर जो है वो ज्यादा है, मीडिया कर जो है वो कम. पार्टीशनल में हम क्या करते हैं, पार्टीशनल एल्गोरिदम डिटरमिन ऑल क्लस्टर एट वंस. दे इंक्लूड के मीन, फजी सी मीन क्लस्टरिंग एंड क्यू टी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम. क्वार्टाइल हमारे पास जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड उसकी ज्यादा एप्लीकेशन है, दैट इज द के मीन क्लस्टरिंग. हम इसी को हम यूज करते हैं, फजी एंड क्यू टी का इतना एक्यूरेसी ज्यादा हाई नहीं है. पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया, हम पार्टीशंस कर लेते हैं, तीन हिस्सों में पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है. पार्टीशनल एल्गोरिथम डिटरमाइंस ऑल क्लस्टर एट वंस. अब वो एक क्लस्टर का सबके साथ एक ही टाइम पे कंपैरिजन हो रहा होता है. यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, हमने दो किए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह एक कड़ी से कड़ी मिलती है एंड वो एक्सपेंड होता जा रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वन बाय वन. एट वंस मीन्स कि उसने सबके साथ इसकी कंपेरिजन हो गई है. इस डेटा सेट डेटा एट्रीब्यूट की सबके साथ एक ही टाइम पे कंपैरिजन हो गया. जो इसके करीब होगा वो अपने साथ मिला लेगा, जो करीब नहीं होगा उसको डिस्कार्ड कर लेगा, फिर एक क्लस्टर बन जाएगा. राइट, सो कॉमन डिस्टेंस मेजरमेंट. सो हाउ वी आर कैलकुलेटिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस, इसका एक जेनेरिक फॉर्मूला है दैट वी आर यूजिंग इन द इमेजेस, इन द टैग्स और एनी अदर डेटा सेट. जेनेरिक इक्वेशन है विच कैन बी मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ योर एप्लीकेशन. अगर आपके पास थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, यू कैन ऐड एक्स वाई जेड एंड यू कैन ऐड जेड टी एज वेल.
So this is measure will determine how the similarity of two elements is calculated, and it will be influence the shape of the cluster. Definitely, it will. It has a strong influence on the shape of the cluster. कि वो shape जो है cluster का कैसे बनेगा? इस तरह बनेगा, amoeba की तरह बनेगा, दूसरा कुछ इस तरह होगा, top bottom होगा या bottom top होगा. Depend करता है कि आपका cluster किस तरह बनेगा. So this is measure will determine how the similarity of two elements is calculated and will be it will influence the shape of the cluster. They include Euclidean distance, also called two norm distance, is given by d of x y. हमारे पास दो attributes हैं x and y. Summation हम इसमें modulus में करते हैं क्योंकि distance हमारे पास negative नहीं हो सकता. Distance shall always be positive and x I minus y I modulus. And summation, हमारे पास n number of elements हैं from 1 to p or z, and we are getting this distance. अब इनमें जितना कम होगा x y में, जितना कम distance होगा, that will be considered as the mostly correlated attributes के they have a strong correlation. अब इसमें अगर distance ज्यादा होगा, तो that will be discarded. Second is the Manhattan distance, also called as taxicab norm or one norm given by. ये taxicab हम उसको Manhattan distance बोलते हैं. Manhattan भी हम use कर लेते हैं, लेकिन Euclidean distance जो है वो ज़्यादा reliable है as compared to Manhattan. इसमें हम under root लेते हैं, बाकी exactly वही चीज़ है. Got it. This is called Euclidean distance. Any questions until now? Any question? सर ये रिसर्च पेपर हम लोग पढ़ते हैं, ये जो Euclidean distance है सर, इसके मुख्तलिफ वेरिएशंस जो बनाए जाते हैं सर, हम लोग जब भी कभी किसी को यूज किया करें तो वेरिएशन वर्जन यूज किया करें कि ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट लिया करें सर. स्टार्ट यहाँ से, मैंने कहा ना कि दिस कैन बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन सिनेरियो. अब मेरे पास अगर एक्स वाई जी है, मेरे पास अगर थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर जेड भी है, तो डेफिनेटली इट विल बी मॉडिफाइड. बट दिस इज द बेस इक्वेशन फॉर यूक्लिडियन डिस्टेंस. यू कैन नॉट, अब यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं लगा सकता, मैं अंडर रूट नहीं लगा सकता हूँ. अगर मैं होल स्क्वायर अंडर रूट लगाऊंगा तो वो मेरे पास मैनहट्टन डिस्टेंस बनेगा. दैट इज रॉन्ग. तो दिस इज द जनरल फॉर्म. आई कैन नॉट वायलेट दिस जनरल फॉर्म. ठीक है, इसमें मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर चैनल ज्यादा हैं, एक्स वाई जी ए बी सी डी अप टू एक्स तक हैं, तो डेफिनेटली ये उसी तरह चेंज होगा. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कि इसको आप यूज कर लें, आप इसको मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं. गॉट इट? यस सर, समझ गया. ज्यादातर रिसर्च आर्टिकल्स में आप लोगों ने देखे होंगे इसको मॉडिफाई करके यूज किया जाता है. Okay, so the maximum norm is given by, अगर हम ये maximum values निकालनी है, ठीक है, तो हम max x I minus y I हम लगा देंगे. That will be considered as the maximum norm. और the minimum norm, that will, I में यहाँ पे minimum लिख लूंगा. तो मेरे पास एक maximum value होगी, minimum value होगी. दूसरे बाकी हमारे पास जितनी भी हैं Mahalanobis distance collects data for different scales and correlation in the variables. A different scale to ये data collection, different scales के from where the data is coming, take different scales and correlation in the variables, and then ये पहले ये check करता है कि data कहाँ से आ रहा है, and then उसका find correlation करता है. तो एक तरह से ये dual endorsement है. सिंपल यूक्लिडियन में हम क्या करते हैं, हम सिंपल डिस्टेंस फाइंड करते हैं टू फाइंड द कोरिलेशन. इसमें ये कोरिलेशन भी फाइंड करता है एट डिफरेंट स्केल्स के, डिफरेंट स्केल पे कहां कहां से डेटा हमारे पास आ रहा है. इनर प्रोडक्ट स्पेस, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी यूज्ड एज ए डिस्टेंस मेजर व्हेन क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल डेटा. अच्छा, हाई डायमेंशनल डेटा मीन्स कि अगर इसमें मेरे पास क्लस्टर, एक क्लस्टर में मेरे पास डेटा एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है. डेंसिटी ज्यादा मीन्स कि उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके साथ हम ये अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ये वाला नोड, तो यहाँ पर हम इसका एंगल फाइंड करेंगे कि यार इसके एंगल में 90 डिग्री में इसके जितनी भी आते हैं उसके साथ चेकिंग करो, बाकी के साथ ना करो. हैमिंग डिस्टेंस या हैमिंग कोड समटाइम्स एडिट डिस्टेंस मेजर द मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू चेंज वन नंबर इनटू अनदर. इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल
एक सेलेक्ट हो गया तो इसकी जगह मैं दूसरा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड हैमिंग डिस्टेंस और हैमिंग कोड। ये नेटवर्क में यूज होता है, डेटा साइंस में यूज नहीं होता। दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ दी डिस्टेंस के हम इसके जरिए हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, लेकिन द बेस्ट इज दी यूक्लिडियन डिस्टेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द k-means क्लस्टर, द k-means एल्गोरिथम। अच्छा, इसको हम मुझसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पूछा, और अगर इफ यू गाइस डू रिमेंबर साथ की जो हमारे पास जो फिजिकल लेक्चर हुआ था आयन साइंसेज में, मैंने आप सबको बताया कि सबसे पहले आप लोग टाइटल पे सोचा करेंगे, टाइटल की में क्या चीज गिवन है, देन यू विल अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द रिसर्च आर्टिकल। इफ द टाइटल इज नॉट क्लियर, इफ द टाइटल इज वेग, देन आप उस रिसर्च आर्टिकल को 10 दफा पढ़ें, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम इन द रिसर्च आर्टिकल। इसमें हम नाम पे अगर सोच लें, के मीन्स एल्गोरिदम, के मीन्स क्लस्टरिंग, K means clustering. K is the number of cluster by means with the help of finding the centroid. By finding the centroid, TRIOD. ठीक है, central value, n cluster. तो वो clustering हमारे पास n number के cluster बन रहे हैं, तीन बन रहे, चार बन रहे, फोर दस बन रहे, तो ये क्या है, ये K है। means हम मीन के जरिए, सेंट्रल वैल्यू के जरिए हम उसकी क्लस्टरिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाई वी आर नेम्ड एज के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम टू क्लस्टर एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स इनटू के पार्टीशंस वेयर के इज लेस देन एन। दिस मस्ट बी द केस, देन वी विल, देन वी कैन डिवाइड द क्लस्टर इनटू डिफरेंट रीजन। ठीक है, बेस्ड ऑन द, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट, ठीक है, इनटू के पार्टीशन। जितने जितने ज्यादा हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे उतना ज्यादा हमारे पास के होगा। ठीक है, अगर डेटा सेट हमारे पास टू ह्यूज, हम उसको सिर्फ दो में डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज सिमिलर टू द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। एक दूसरा एल्गोरिथम है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम फॉर मिक्सचर ऑफ गॉसियन, इन दैट दे बोथ अटेम्प्ट टू फाइंड द सेंटर्स ऑफ द नेचुरल क्लस्टर इन द डेटा। राइट, कि उसके जरिए हम क्या करते हैं, एक क्लस्टर है उसमें हम सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर वो हमारे पास उसके जरिए से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। इट अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस। अब इसमें हम स्केलर फाइंड नहीं कर रहे, हम इसमें वेक्टर की किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम टॉप बॉटम है या बॉटम टॉप है तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। An algorithm for partitioning or clustering n data points into k disjoint subset. अच्छा, ये एक हमारे पास इक्वेशन है, मैं आपको इसको बताता हूँ। An algorithm for partitioning or clustering n data points. N data points are what? Are the total number of objects inside the data. K disjoint subset into k disjoint subset means k मैंने एक subset बनाया. That will be disjoint from this cluster. They will not have any relation. Koi bhi relation iske andar nahi hoga. K disjoint subset we called as S of J, containing data points, containing attributes, so as to minimize the sum of squares criterion. To minimize sum of squares. Agar hum un dono ko add kar le, square kar le, wo value kam hogi. That will be considered as the part of this subset, part of this cluster. J, हमारे पास summation, ये J is equal to 1 up to K. दूसरा summation हमारे पास N belongs to S of J. अब दूसरा summation हम क्या करें कि भाई एक तो सारे elements हैं, ये मैंने full data set लिया, उसमें सारे elements मैंने लिए, that is J, सारे data points हैं. फिर दूसरा जो summation है, N belong to S of J. फिर जब मैंने उसको subset किया, तो N belong to S of J. And what is S of J? Is the K disjoint subset. Now, we have made it as a disjoint from this portion. So, all the elements, all the attributes, data points are belong to S of J. This is S of J 1, this is S of J 2. So, modules hum lete hain, kyunki hamare paas minus distance minus nahi hota. X of n minus mu of j. This mu is variance. कि उसमें हमारे पास mu mean कितना है, means कि उसका जो central point है, is the vector representative
the nth data point, and mu j is the geometric centroid. Geometric centroid is the mean. Sorry, this is mean x bar, and this is the x data point. Geometric centroid के उसकी geometry, उसकी directional, इसकी vector quantity है, so definitely we have to use the geometric centroid के. अब जरूरी नहीं कि अब मेरे पास सेंट्राइड यहां पर बन जाए और सारे के सारे डेटा नोड्स यहां पर अवेलेबल हैं, तो दिस इज रॉन्ग क्लस्टर. क्लस्टर आपका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट विल बी इन द मिडल ऑफ द डेटा सेट, कि उसके साथ फिर आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाए. द डेटा पॉइंट ऐसा जे, मैंने कहा कि डेटा पॉइंट है वो सारे के सारे ऐसा जे. Simply speaking, k-means clustering is an algorithm to classify or to group the objects based on the attribute feature into k number of groups. ठीक है, ये उसकी और सिंपल डेफिनेशन है कि बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट फीचर, कि फीचर के बेस पे हम उसकी एग्रीगेशन करते हैं कि सारे के सेम फीचर्स वाले एक ही डेटा सेट के होंगे. k इज द पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, कि आप -2 क्लस्टर बना ले, -3 प्लस होगा. The grouping is done by minimizing the sum of squares of the distance between two data and corresponding cluster centroids. अब जितना ये distance कम होगा, अब आप देखिए Euclidean distance modify हो रहा है. पहले basic equation क्या था Euclidean distance का, ये था. अब उसी equation को उसमें modifications आ रही हैं. So the grouping is done by minimizing the sum of squares. Minimizing, अब ये distance जितना कम होगा उतना ये बिलोंग करेगा एस एफ जे का, डेटा एंड करिस्पॉन्डिंग क्लस्टर सेंट्राइड. करिस्पॉन्डिंग क्लस्टर सेंट्राइड की, दिस इज द करिस्पॉन्डिंग सेंटर क्लस्टर सेंट्राइड, तो जितना इसका डिस्टेंस सबके साथ कम होगा वो बिलोंग टू एस एफ जे. अगर ये होगा तो इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ये वाला वैल्यू मेरे पास बहुत ज्यादा आएगा, तो ये इसका इसका पार्ट नहीं बनेगा, ये फिर इसके साथ अपनी इस इक्वेशन के तहत चेक करेगा. दिस इज दी हाउ k-means क्लस्टरिंग एल्गोरिथम वर्क. इस फ्लो चार्ट को अगर आप देखें तो दिस इज वेरी सिंपल एंड यू विल गेट द इंटायर वर्किंग, यू विल गेट, यू विल अंडरस्टैंड द इंटायर वर्किंग ऑफ द k-means क्लस्टरिंग. सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग द एल्गोरिथम. फर्स्ट हाउ नंबर ऑफ क्लस्टर्स के, फर्स्ट यू हैव टू थिंक हाउ मेनी क्लस्टर्स आर मेड. फिर उस हर एक क्लस्टर का हमने क्या कर, उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी है बाय मींस ऑफ द मीन सेंट्राइड. ठीक है, थर्ड इज दी, फिर उस मीन से हमने सबके डिस्टेंस चेक करना है कि उसका डिस्टेंस जो है वो कितना है. डिस्टेंस कम होगा बिलोंग टू एस ऑफ जे, डिस्टेंस ज्यादा होगा बिलोंग टू एस ऑफ जे टू. एंड देन ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द मिनिमम डिस्टेंस. ग्रुपिंग, पहले आपने डिस्टेंस फाइंड किया, फिर मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम को हम फाइंड करेंगे. मैक्सिमम होगा डजंट बिलोंग, मिनिमम होगा बिलोंग. अगर नो ऑब्जेक्ट मूव ग्रुप एंड एंड, फिर दोबारा आ जाओ, रिपीट करो जब तक आपके साथ सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो उस इस इक्वेशन पर पूरे ना उतरे. यू हैव टू कंटिन्यू अंटिल द लास्ट एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा सेट. जी, एनी क्वेश्चन, एनी डिस्कशन? क्लास में कोई बैठा भी है कि सारे सो रहे हैं? सर बैठे हम. जी सर. जी सर, सुन रहे सर. जियाउर रहमान, लेट मी चेक. जियाउर रहमान ओके. पजीर ज्यादा, पजीर ज्यादा. जी सर. ओके, जिसने मुझे जॉब नहीं दिया मैं यहां से उसको किक आउट करूंगा. ठीक है, मैं उसको यहां से रिमूव फ्रॉम मीटिंग करूंगा. मोहम्मद साद रशीद. यस सर. सलमा अख्तर. यस सर. वलीद अफरीदी. यस सर. सुनीला महबूब. यस सर. ठीक है, सही है. ओके, चलिए म्यूट कर लें.
Any question until now? No, sir. Okay. So these are the steps of team structure. अभी तक हमने जितनी भी बातें की ये उसके steps हैं. ठीक है. And this is algorithm. So the first step is begin with decision on the value of k is equal to number of clusters. सबसे पहले हमने ये सारा flow chart अब हमने क्या करें एक pseudo code में लिख रहे हैं. Begin with the decision कि हमने कितने cluster बनाने. Put any initial partition that classify the data into k clusters. Put any initial partition. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको draw कर लेता हूँ. ये मेरे पास data set. Put any partition. ये मैंने partition कर लिया. You may assign the training sample randomly or systematically as the following. One, take the first k training sample as a single element cluster. पहले मैं सबसे एक लूंगा, ये एक cluster बन गया, एक attribute का एक cluster. Assign each of the remaining n minus k training sample to the cluster with the nearest centroid. After each assignment, recompute the centroid of the gaining cluster. अब इसका मैं find करूंगा कि ये centroid में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे में check करूंगा. अगर center में आ रहा है तो दैट्स इट. फिर उसका मैं कंपैरिजन करूंगा. टेक ईच सैंपल इन अ सीक्वेंस एंड कंप्यूट इट्स डिस्टेंस. अब ये सेंट्रोइड अब डिस्टेंस फाइंड करेगा कि ये मेरे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता. फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर. सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर, हर एक जो सेंट्रोइड है वो अपने साथ जितनी भी वैल्यूज है वो डेटा एलिमेंट चेक करेगा कि ये मेरे साथ डिस्टेंस कम है कि ज्यादा है. हमने डिस्टेंस के लिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दी गिवन बताई होगी. अगर मेरे पास इमेजेस हैं तो मैं आरजीबी की वैल्यूज कंसीडर करूंगा, आरजीबी की वैल्यूज. अगर मेरे पास टेक्स्ट है तो मैं उसके सिंटैक्स और की बात करूंगा, लेकिन उसकी जो मीनिंग है और अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा. इफ ए सैंपल इज नॉट करंटली इन द क्लस्टर विद द क्लोजेस्ट सेंट्रोइड, स्विच दिस सैंपल टू दैट क्लस्टर एंड अपडेट द सेंट्रोइड ऑफ द क्लस्टर गेनिंग द न्यू सैंपल एंड द क्लस्टर लूजिंग द सैंपल. अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक डेटा एलिमेंट है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू एक्सीड कर रहा है, मीन्स कि इसका जो वैल्यू है वो मेरे पास मैक्सिमम आ रहा है, तो उसको डिस्कार्ड कर लो एंड देन इसको इसके साथ मिला लो, मीन्स कि ये मेरे पास जो सेंट्रोइड फिर इस तरह बन जाएगा क्लस्टर. ठीक है, तो जितना इस तरह हम करते जाएंगे एंड आखिरी एलिमेंट तक इट विल बी कंटिन्यू. रिपीट स्टेप 3 अनटिल कन्वर्जेंस इज अचीव्ड. इट इज दैट इज अनटिल द पास थ्रू द ट्रेनिंग सैंपल कॉज नो न्यू असाइनमेंट. ठीक से मैंने कहा कि एन तक जाएगा आखिर तक, और ये अगर मिनिमम का इक्वेशन फॉलो करेगा इट विल बी अटैच टू दिस क्लस्टर और अदरवाइज डिस्कार्डेड और विल बी कंसीडर्ड एज आउटलायर. ठीक, ये फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ शोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ k-mean algorithm यूजिंग k इज इक्वल टू 2. अगर सपोज मेरे पास ये डेटा है, मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरे पास दो क्लस्टर है, एक मेरे पास k1 है और एक मेरे पास k2 है. लेट सपोज Step 1 is initialization. Randomly we choose the following two centroids, k is equal to 2 for 2 clusters. हमने ये दो centroids choose किए. Individual variable 1, variable 2. ये मेरे पास दो centroids choose हो गए. In this case, the two centroids are m1, 1.1, एक ये वाला हो गया मेरे पास, and 5.0 and 7.0. ये दो values हमारे पास cluster में आ गए. Now, let's calculate its distance from various attributes. Thus we obtain two clusters containing 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7. Two clusters हमारे पास बन गए. The new centroids are, अब इस हम centroids find कर रहे हैं. अब मेरे पास 3 है, centroids हम कैसे find करते हैं? Mean के जरिए find करते हैं ना. ठीक है, मेरे पास 3 elements है, हम इसको 3 से divide कर लिए, 4 है तो 4 से चले जाएंगे. ठीक है, you will get the desired values. After getting the desired values, now using these centroids we compute the Euclidean distance of each object as showing in the table. अब हमने क्या करना है, Euclidean distance find करना है कि इससे ये वाला कितना दूर है और ये वाला कितना दूर है. Therefore the new centroids are 1 and 2, 1 and 2 and 3, 4, 5, 6, 7 and 3, 4, 5, 6, 7. Next centroids are 1.25 and m2 is equal to 3.9 and 5.1. So the clusters obtained are, ये हमारे पास दो क्लस्टर्स बन गए.
इन दोनों का बन गया एंड इन दोनों का बन गया, ठीक है। इन दोनों का आप देख लें कि इसमें हमारे पास डिफरेंस बहुत कम है और इसमें भी डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन ये इसके साथ ऐड नहीं हो रहा, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। therefore there is no change in the cluster, thus the algorithm comes to halt here and final results are, अब ये एक क्लस्टर बन गया, ये मेरे पास दूसरा क्लस्टर बन गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गए, वैल्यू गॉन। ये हम प्लॉट, अगर प्लॉट इसको करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज ये बन गए हमारे पास, बाकी पांच वैल्यूज हमारे पास इसकी जो वैल्यूज है वो ये बन गए। दीज आर कंसीडर्ड एज टू क्लस्टर। इसको हमने ड्रा कैसे करेंगे, आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाए, हमारे पास 0.57 है और 0.47 है, 0.58 है और 0.56, 0.58 यहीं पर आएगा और दूसरा 0.56 है, 0.56 इधर आएगा, इट इज कंसिडर्ड एज वन क्लस्टर। दूसरा आपके पास 1.42, 2.20 वगैरह एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इस तरह क्लस्टर बन रहे, इन दोनों का क्लस्टर नहीं बन रहा, इनमें डिस्टेंस जो स्पेसिफाई नहीं कर रहा। इज इक्वल टू थ्री, अब के को आप तीन में कर लें, 1, 2, 3 एंड फॉलो ईच स्टेप, ठीक है। ये इसका एल्गोरिदम है, बेसिक कोड है, विजुअल बेसिक कोड है, ठीक है, कि आपने एक डेटा कंसिडर करना है और उस डेटा को आपने कैसा, इसको अगर आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर लें और डेटा को आप अपलोड कर लें, यू विल गेट द डिजायर्ड डेटा, पूरा का पूरा एंड तक इसका कोड बन रहा है। Thickness of K means clustering. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक, क्योंकि मैंने मार्किंग जो है वो assignment के बेस पे करनी है, so assignment is you guys can upload the data, download the data from Google, upload the data using Visual Basic or Java, या आप Visual Basic में भी कर सकते हैं या Java में भी कर सकते हैं और MATLAB में कर सकते हैं। पाइथन में कर लो, यस सर, थैंक यू, ठीक है। विजुअल बेसिक, जावा, मैटलैब और पाइथन, ठीक है। डेट आपने नेट से डाउनलोड करना है यूजिंग गूगल, ठीक है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हाउ विल यू डाउनलोड द डेटा फ्रॉम द गूगल और हाउ विल यू सर्च द डेटा सेट, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपके साथ सारा बताता हूँ। गूगल में आप सिंपली लिख लें कि फॉर हेल्थ केयर डेटा सेट, ठीक है, यू विल गेट द डेटा और रेगुलर डेटा, जो भी डेटा सेट आपको चाहिए, ठीक है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये करना है, अच्छा वो फिर एंड में बताता हूँ, ये आपने यूज करने टूल, उसके जरिए उसके बाद आपने गूगल का डेटा डाउनलोड करना है, वो आपने इसमें अपलोड करना है कि कौन सा डेटा मैंने अपलोड करना है इसमें, एंड देन यू विल फॉलो द स्टेप्स ऑफ दिस प्रोग्राम एंड यू विल, आपने मुझे इस तरह के रिजल्ट, ये रिजल्ट प्लस डेटा सेट, कोशिश करें कि डेटा सेट आपका साइज स्मॉल हो, एमबीज में हो, आप लोग मुझे वो ईमेल में सेंड कर लें, ठीक है, एमबीज में, ठीक है। तो आपने मुझे इस तरह का रिजल्ट भेजना है, प्लस डेटा सेट भेजना है, प्लस आपका जो पाइथन या विजुअल बेसिक, जावा, मैटलैब का कोड है वो आपने मुझे भेजना है, ठीक है। कब तक आप मुझे भेज देंगे? तब ये डेटा सेट को हम लोग इंप्लीमेंट करने से पहले इससे नाइस करेंगे कि बस डायरेक्ट एल्गोरिथम, डायरेक्ट नाइस में हम फिलहाल नहीं आए, वो जब हम मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक डेमोजैकिंग एंड डिनाइजिंग के एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो उसमें आपने डेटा की जो डेमोजैकिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर रिमूविंग द ब्लरनेस फ्रॉम द इमेजेस, ठीक है, उसकी जो एचडी क्वालिटी वीडियो बनती है, एचडी क्वालिटी इमेज वो इस तरह बनती है, ठीक है। जितनी भी हमारे पास कैमराज हैं, फॉर एग्जाम्पल डीएसएलआर कैमरा जितनी भी है हमारे पास हैं, वो सारे के सारे डेमोजैकिंग बेस्ड हैं, उसके लेंस में डेमोजैकिंग का एल्गोरिथम होता है। अगर आप या जितनी भी आपके पास ये मोबाइल फोन आजकल आ रहे हैं, स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, उसमें सारा का सारा डेमोजैकिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया होता है। अगर आप अपने मोबाइल फोन को थोड़ा सा हिलाएंगे और तस्वीर लेंगे, वो ब्लड आपके पास नहीं आता, वो एक अच्छी क्वालिटी की वीडियोज आपके पास आ जाती है, दिस इज कॉल्ड डेमोजैकिंग।
denizing, how will you remove denied from the images? ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे. फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, इस इंटायर कोड को अपने इन टूल्स में इंप्लीमेंट करना है, डेटा सेट आपने डाउनलोड करना है और उसके जो रिजल्ट हैं आपने मुझे इस तरह का ग्राफ भेजना है प्लस डेटा सेट भेजना है और इस तरह की क्लस्टर उसमें होनी चाहिए. एनी क्वेश्चन? राइट सर, इंशाल्लाह. कब तक मुझे भेजेंगे? अगर आप लोग नहीं बताएंगे फिर मैं आपको दिन बताता हूँ. सर ईद से पहले. ठीक है सर, नेक्स्ट ट्यूसडे. नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे. ठीक है, यस सर. पहले नेक्स्ट ट्यूसडे आता है. यस सर, नेक्स्ट ट्यूसडे, लेकिन सर 12 बजे तक सर. सर नेक्स्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे कम नहीं है सर. जून 28, 12 o'clock. और याद रखने आपने मेरा एडिटर वाले ईमेल पे आपने मुझे भेजना है. किसी ने और ईमेल पर भेजा वो मैं बिल्कुल कंसीडर भी नहीं करूंगा. ठीक है, सिर्फ एक ईमेल पर भेजना है आप लोगों के लिए. फिर मैं सारी ईमेल खोलता हूँ, फिर मुझे कंफ्यूजन होती है कि किस सुनने किस ईमेल पर मुझे भेजी है. सिर्फ एडिटर जी मेल वाले आई डी है मेरी aweas.editor, उस पर आप लोग मुझे भेजना है रात के 12 बजे तक June 28. सर जून और जुलाई सर, ये कौन सा जुलाई का महीना है? जुलाई, जुलाई. ठीक है, ये जुलाई का महीना है. 28 जुलाई तक आप लोगों ने मुझे भेजना है. वीकनेस ऑफ के मीन्स प्लस स्ट्रिंग, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ डेटा आर नॉट सो मेनी, इनिशियल ग्रुपिंग विल डिटरमाइन द क्लस्टरिंग सिग्निफिकेंटली. ठीक है, अगर डेटा एलिमेंट्स, डेटा एट्रीब्यूट हमारे पास इतने ज्यादा नहीं है, द ग्रुपिंग विल डिटरमाइन द क्लस्टरिंग सिग्निफिकेंटली. द नंबर ऑफ क्लस्टर्स के मस्ट बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड. आपने सबसे पहले के आपने डिटरमाइन करना है. ये थोड़ा सा रिस्की जॉब है. अगर मेरे पास डेटा सेट बहुत ह्यूज है और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसमें 10 क्लस्टर्स चाहिए, मुझे 10 क्लस्टर्स चाहिए, मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा मुझे 10 क्लस्टर्स चाहिए और मेरा काम 10 क्लस्टर्स पर ना हो, then I have to increase, then I have to repeat the entire process by increasing the number of clusters from 10 to 50. Its disadvantage is that it does not yield the same result with each run. अच्छा, 50% का result आपका change होगा. Since the resulting cluster depends on the initial random assignment, तो आप सबसे पहले उसका random assignment जो होगा उस पर depend करता है. We never know the real cluster using the same data because it is input it into a different order, it may produce different clusters if the number of data is few. ठीक, अभी आप जो Google से कम साइज वाले डेटा फाइंड करेंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स. इट इज सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशन, डिफरेंट इनिशियल कंडीशन में प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट टू क्लस्टर. अब अरे तो रिजल्ट डिफरेंट होगा, सेम किसी का भी नहीं होगा, तो लिहाजा कॉपी पेस्ट ना किया, कॉपी पेस्ट का पता चल जाएगा मुझे बहुत आसानी से अगर आप एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करेंगे. एल्गोरिथम में भी ट्रैप इन ए लोकल ऑप्टिमम. लोकल ऑप्टिमम इज दी लोकल ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू, कि उसका जो सेंट्रॉइड है वो कौन सा बनेगा. डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इसके. इट इज रिलेटिव एफिशिएंट एंड फास्ट, इट कंप्यूट्स रिजल्ट्स ऑफ एसिम्प्टोटिक ऑफ टी ऑफ के एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स, के इज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड टी इज द टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस. ठीक है, तो ये जितना ज्यादा होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होगी. K-mean clustering can be applied to machine learning or data mining, ठीक है? Used on acoustic data in speech understanding to convert waveform into one of K categories known as vector quantization or image segmentation. ये आपको नजर आ रहा है, आप लोग मुझे बताएं, मैं इसका नाम लूंगा फिर मुझे बताएं कि बासित अली डिस्टॉर्शन हो गई सर, आपने क्या कहा? आप खामोश हो जाएं. बासित अली, बासित अली, अच्छा ओके, आई एम रिमूविंग बासित अली फ्रॉम मीटिंग. मोहम्मद अदनान आमिर, मोहम्मद अदनान आमिर,
जी सर। बासित अली ओके मोहम्मद अदनान आमिर मुझे बताओ कि एकूस्टिक डेटा किसे कहते हैं। एकूस्टिक डेटा हेलो पता नहीं सर मेरे नेट का प्रॉब्लम है सर तो आपका आवाज जो है ना सही तरीके से नहीं आ रही है। तो लेक्चर तो खत्म होने वाले और आप मुझे भी बता रहे हो कि मेरे तो आपने सारे लेक्चर तो बस वैसे ही आप बैठे रहे सर इसी वजह से। यस सर। अच्छा आपकी आंख खुल गई बेटा फूट गए हो। नहीं सर सर इंटरनेट का मसला बार बार सर डिसकनेक्ट हो रहा है। सर एकूस्टिक में सर इलेक्ट्रिक सिग्नल का जो मीन है वो जो सर वलीद अफरीदी जी सर व्हाट इज एकूस्टिक सिग्नल एकूस्टिक डेटा सर क्लियर नहीं है। आप लोग एमएस में कैसे पहुंचे मैं तो इस बात पे हैरान हूं। एकूस्टिक डेटा ये मैं ड्रा कर रहा हूं ये मेरे पास एकूस्टिक डेटा है। ये मेरे पास एकूस्टिक डेटा है। आप लोगों ने गिटार के स्ट्रिंग्स देखे होंगे उसमें डिफरेंट स्ट्रिंग्स होते हैं गिटार के ठीक है। एक उसमें लाउड वॉल्यूम फिर जो है आप नीचे आते हैं आवाज जो है उसकी पतली होती जा रही है दिस इज एकूस्टिक। उसको हम एकूस्टिक गिटार इस वजह से कहते हैं कि उसमें हमारे पास एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म इस तरह बन रहा होता है दिस इज कॉल्ड एकूस्टिक डेटा। एकूस्टिक डेटा वी कैन नॉट डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द सिग्नल कि इस स्ट्रिंग की बाउंड्री कितनी कौन सी है इस स्ट्रिंग की बाउंड्री कौन सी है। तो वी आर परफॉर्मिंग क्लस्टरिंग इन एकूस्टिक डेटा टू फाइंड आउट द बाउंड्रीज ऑफ ईच डेटा एलिमेंट दिस इज कॉल्ड एकूस्टिक डेटा। सो यूज्ड ऑन एकूस्टिक डेटा इन स्पीच अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाटएवर आई एम टॉकिंग दिस इज कॉल्ड एकूस्टिक सिग्नल ठीक है। इसके बाउंड्रीज फाइंड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कन्वर्ट वेव फॉर्म इन टू दी वन ऑफ द के कैटेगरीज नोन एज वेक्टर क्वांटाइजेशन और इमेज सेगमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं वी आर dividing the data into two. अब अगर मैंने अभी कहा into two, right? मैंने अभी into two कहा तो अगर मैं into two को divide कर लूँ segment कर लूँ by performing k-mean clustering तो ये मेरे पास कुछ इस तरह शायद बन जाएगा into अब in अलग हो जाएगा in का अलग cluster बनेगा two का cluster अलग बनेगा फिर tw का अलग cluster बनेगा and finally o will have another cluster ठीक है। तो then we will find the Euclidean distance कि किसके साथ इसके Euclidean distance बन रहा है। अब o का n इन के साथ नहीं बन रहा o का दूसरे 2 के साथ नहीं बन रहा इस o का इसके साथ बनेगा and then in 2 का इन दोनों का आपस में बनेगा तो it will be two clusters. This is called vector quantization. Vector why vector because we are going in one direction and image segmentation we are अगर आपके पास रेनबो ऑफ कलर्स है रेनबो में वी डोंट सी द बाउंड्रीज ऑफ ईच कलर रेड ग्रीन ब्लू येलो वी डोंट सी द बाउंड्रीज ऑफ ईच कलर। सो इन इमेज सेगमेंटेशन वी हैव टू डिवाइड द कलर रेनबो कलर इनटू डिफरेंट रीजंस एंड देन वी विल फाइंड द यूक्लिडियन डिस्टेंस दैट दिस कलर कोरिलेट टू दिस कलर देन वी हैव टू ग्रुप इट दिस कलर। ऑल्सो यूज फॉर चूजिंग कलर प्लेटलेट्स और ओल्ड फैशन ग्राफिकल डिस्प्ले डिवाइसेज एंड इमेज क्वांटाइजेशन। Euclidean k-means clustering is useful for undirected knowledge discover as relative simple k-mean has found widespread usage in a lot of fields ranging from unsupervised learning of neural networks pattern recognition classification analysis artificial intelligence image processing machine vision and many other application where the k-means clustering where we can use the k-means clustering. So this is the end of today's lecture. Any question? Any discussion? सर ये जो क्लस्टरिंग है इसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की सर
सर हमने तो मशीन लर्निंग में कहा था कि क्लासिफिकेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास टारगेट लेबल नोन होता है, तो इस केस में तो सर हमें टारगेट लेबल का पता नहीं है ना, ये तो मतलब वो स्ट्रक्चर को डेटा को देख के मतलब वो ग्रुप्स बनाएगा ना सर। ये अच्छा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था। दिस इज एमी क्लस्टरिंग इज यूज्ड फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए भी होता है, जब हम अनसुपरवाइज्ड को सुपरवाइज्ड बनाते हैं वी अप्लाई केमीन क्लस्टरिंग। जब हम अनसुपरवाइज्ड से सुपरवाइज्ड लर्निंग बनाते हैं, सुपरवाइज्ड में हमारे पास लेबल नोन होते हैं, इसमें हमारे पास लेबल अननोन होते हैं। जब लेबल अननोन होते हैं दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग एट ईच एट्रीब्यूट, हम उसको कोई एट्रीब्यूट छोड़ नहीं रहे, वी आर नॉट लीविंग एनी एट्रीब्यूट, वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ईच एट्रीब्यूट एंड कंपेयरिंग इट्स वैल्यू विद इन नेबरिंग एट्रीब्यूट। फिर हमारे पास, अब इसमें हमारे पास मिक्स डेटा, इंटरमिंगल डेटा, इसमें व्हीकुलर डेटा है, इसमें हेल्थ केयर डेटा है, इसमें सेंसर डेटा है, we are having different data coming from different sources, so how we cannot directly apply any machine learning algorithm to analyze the data or any big data analytical algorithm to analyze the data, so we have to convert the unsupervised learning into the supervised by means of the k-means cluster, by finding the values of each attribute and find the equidistant distance, group them together to form a cluster. Now this is called, its label now is known, that is the healthcare data. Iska label kya ho gaya, known ho gaya. हमारे पास और भी एल्गोरिदम्स हैं वेयर वी डोंट रियली वांट टू कन्वर्ट द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टू द सुपरवाइज्ड लर्निंग, वी डायरेक्टली अप्लाई प्रोसेसिंग एल्गोरिदम एंड गेट द रिजल्ट। थैंक यू सर। इट इज योर चॉइस वेदर यू आर अप्लाइंग के-मीन एल्गोरिदम और नॉट, बट डिपेंडिंग ऑन द डेटा वी हैव टू अप्लाई द एल्गोरिदम। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम के-मीन्स को यूज करते हैं, तो हमारे पास बल्क ऑफ डेटा होता है हेल्थ केयर का या जो भी हो, तो इसमें हम मतलब फीचर्स को कंसिडर करेंगे या बिहेवियर, किस चीज के बेस पे सर ये डिसीजन करेंगे? हम हर एक एट्रीब्यूट की फीचर्स को देखेंगे कि उसके हमारे पास अब आरजीबी है, आरजीबी ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, उसके वैल्यूज हमारे पास लेट्स सपोज 2, 4, 5 बन रहे हैं, इसकी कंबाइंड वैल्यूज हमारे पास 2, 4, 5 बन रहे हैं, दूसरी की हमारे पास बन रही है 100। अब इसको अगर हम ड्रा करें, विजुअली ड्रा कर लें, तो दिस में शो दी येलो कलर, बट दिस 2, 4, 5 इज ब्लू कलर। अब ब्लू एंड येलो में हम इतने ज्यादा कॉन्टेंट्स की तरफ नहीं जाते, वी आर नॉट गोइंग इन टू दी सीवियर कॉन्टेंट्स ऑफ और मीनिंग और समथिंग लाइक दिस, के हम उसमें अगर हम इस तरह करेंगे फिर तो हमारा पूरा डेटा एनालाइज हो गया। Just to save the time, we are just going into its values, कि इसकी data contents क्या है, just उसके outer features क्या है, we are comparing it, दोनों में difference है, तो कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो belong to different cluster. Excuse me, sir. जी, yes. Sir, ये किस type of data के लिए हमें ये वाली technique use करनी चाहिए? You can use k-mean clustering for any data available in the entire world. Sir, is there some specific attributes or some specific features ke jiske liye hum ye data technique use kare sir? Sir, like hamare paas kuch optimization algorithms hoti hain, kuch aur algorithms hoti hain, to data wise hum usko select karte hain sir? Nahi beta, aapne optimization is different algorithm, k-mean is different algorithm, you cannot mix these two algorithm together to analyze the data. ऑप्टिमाइजेशन आपने किस और पर्पस के लिए यूज करना है? क्लस्टरिंग अगर आप कर रहे हैं, सो इन ऑर्डर टू योर इसमें जो आप एनालिसिस परफॉर्म कर रही हैं, इन ऑर्डर टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स, यू आर परफॉर्मिंग एनालिसिस, एंड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन योर ऑप्टिमाइजेशन, योर एबीसी एल्गोरिदम, योर एनी एल्गोरिदम, हम अभी तक जितने हम पढ़ चुके हैं ठीक है, डिसीजन ट्री आप यूज कर सकते हैं, दिस इज प्रायर टू द एनालिसिस, प्रायर टू द एनालिसिस इज योर क्लस्टरिंग। ओके सर, ये एनालिसिस से पहले हम करते हैं सर? ये एनालिसिस हमें एनालिसिस में तो हम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट फीचर, इट विल गिव अस, इट विल लीड अस टुवर्ड्स फाइंडिंग द एग्जैक्ट फीचर। ओके सर जी, ये आपको एग्जैक्ट फीचर तक नहीं पहुंचाता, ये आपको क्लस्टरिंग करना था, उसके बाद फिर आप उसमें एनालिसिस परफॉर्म कर, ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है, आपने पीसीए यूज करना है, आपने सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज करनी है, कौन सा यूज करना है, इट डिपेंड। लेकिन ये जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है,
आप इसको किसी भी डेटा के लिए यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए, वीडियोस के लिए, ऑडियो के लिए, स्पीच के लिए, वट एवर डेटा इज अवेलेबल इन द एंटायर यूनिवर्स यू कैन यूज K-means, you can use clustering algorithm just to give better result, just to generate better result after the analysis. लेकिन अगर आप इसको टेक्स्ट के लिए यूज करेंगे तो उसका तरीका कार बेसिक यही होगा, लेकिन द वे यू आर डिफ्रेंशिएटिंग द टेक्स्ट दैट विल बी बेस्ड ऑन द सिंटैक्स एंड द सेमेंटिक्स, उसकी मीनिंग का. इफ यू आर यूजिंग इमेजेस देन यू हैव टू कन्वर्ट द इमेजेस इनटू इट्स पिक्सल वैल्यूज. पिक्सल वैल्यूज आर योर आरजीबी वैल्यूज. अब टेक्स्ट में तो आरजीबी वैल्यूज नहीं होती ना हमारे पास, इमेजेस में हम आरजीबी वैल्यूज फाइंड करते हैं, टेक्स्ट में हम उसके सिंटैक्स और सेमेंटिक्स की बेस पे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करते हैं. ऑडियो डेटा को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं एक्स वाई डायरेक्शन, फिर उसके हमारे पास एक सिग्नल बनता है, फिर हम उस सिग्नल को क्लस्टर करते हैं, उस सिग्नल वैल्यू को हम फिर क्वांटाइज करते हैं. ये पर डिफरेंट एप्लीकेशन हैं कि आप उसमें क्लस्टरिंग किस बेस पे कर रहे हो. ओके सर. अब जरूरी है अवर रिक्वायरमेंट बेस क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अकॉर्डिंगली टू अवर रिक्वायरमेंट हम ये टेक्निक यूज करते हैं सर. मींस इट इज नॉट डेटा डिपेंडेंट, इट इज अवर रिक्वायरमेंट डिपेंडेंट सर. No. It is based on your requirement plus your data. अब मेरे पास data जो है, मेरे पास text का data है, text. Yes sir. ठीक है, ये आप जितने भी आपको text screen में नजर आ रहा है, इसको मैंने analyze कर, इसको मैंने cluster बनाना है. ठीक है, अब अगर इसको मैंने clustering इसकी करनी, let's suppose I divide the entire screen into three clusters. ठीक है, मैं इसको तीन clusters में divide करता हूँ. अब मैं इसके k pixels check करूँगा. What do you mean by pixels? I cannot use pixels for the K. मैं इसके क्या करूंगा, syntax और semantic check करूंगा. ठीक है जी सर. Syntax और semantic के बेस पे मैंने Euclidean distance find करना है. अगर मेरे पास image में क्या करूंगा, मैं image में pixels value के बेस पे Euclidean distance find करूंगा. अब मेरे पास एक acoustic data है, signals मेरे पास है, मैं फिर quantized value के बेस पे इसकी clustering करूंगा. तो हर एक एप्लीकेशन के लिए इसका तरीकाकार डिफरेंट है हाउ टू परफॉर्म क्लस्टरिंग. अब आप जो सिंटैक्स और सेमेंटिक्स है वो आप एकूस्टिक के लिए यूज नहीं कर सकते. अगर आप यूज करेंगे तो एल्गोरिथम इज कंप्लीटली रॉन्ग. समझ आ गई बेटा आपको? जी सर. थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so that's all from today's lecture. And, sir, मैंने जी सर मैंने आपको एक ईमेल भेजी थी, आपने ओरेट की थी. मैं वन बाय वन बेटा ईमेल और सेवन चेक कर रहा हूँ, आप तक शायद मैं पहुंचा नहीं होगा. सर काइंडली मैंने वो किया था आपके ईमेल पे ओडेट, तो आपके नाम ओडेट@gmail.com पे, तो काइंडली वो जरा चेक कर, अगर आप मुझे जवाब दे तो मैं इंतजार करूंगा सर. मैं ईमेल चेक करके आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, डोंट वरी. ठीक है सर. थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चन? सर मैंने वो ये आर्टिफिशियल बी कॉलोनी वाली आपको असाइनमेंट सेंड कर दिया. ठीक है सर, प्लीज उसको कंसीडर कर लें. ओके, आई गॉट इट. यस. ओके, सो ये जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, आप लोग मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे तक मुझे आप रात 12 बजे तक सेंड कर सकते हैं. ओके, सी यू. थैंक यू सर.